सेट थ्री। बताओ इसमें 31 से लेकर 35 तक में बन गया, बताना पड़ेगा। चलो ठीक, रिलेशन सबको पता होगा, यहाँ पर दिया हुआ है मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इस तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद फिर DI बनेगा। ये देख लो यहाँ पर ध्यान से, अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस दाम में वस्तु को खरीदा जाता है उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब वस्तु को सेल कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। इस बीच में एक और प्राइस आता है जिसका नाम है मार्क प्राइस, MRP। तो देखे होंगे कि वस्तु के पीछे में हमेशा MRP लिखा हुआ रहता है, CP नहीं लिखा हुआ रहता। क्या लिखा रहता है? MRP। और MRP क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा बढ़ा करके उसको लिखा जाता है। थोड़ा सा भी कभी बढ़ाया जाता है, कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ा दिया जाता है, तो वो कहलाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, मतलब जितना में वो बन के तैयार हुआ है वस्तु, उसको लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं। और उससे अगर बढ़ा करके बेच रहा है, बढ़ा करके दाम अंकित कर दिया, तो उसको मार्क प्राइस कहा जाता है। और उस पर कुछ ना कुछ छूट दे दिया, जैसे वस्तु का दाम अगर 100 रुपया में लागत मूल्य है, 120 रुपया में वस्तु पे दाम को अंकित कर दिया और वहाँ से 110 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो इस तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। किसी भी वस्तु को सबसे पहले जब निर्माण होता है तो उसको कहा जाता है लागत मूल्य, ये लगा हुआ मूल्य है, यानी इसको हम लोग इनिशियल प्राइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल प्राइस या बेस प्राइस भी इसको कहा जाता है। कौन सा प्राइस? बेस प्राइस, जिससे तुलना किया जाता है उसको बेस कहा जाता है, ठीक है। अब जब भी MRP आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस में होने का मतलब क्या है कि यहाँ से मार्कअप किया जाएगा, मार्कअप किया जाएगा। और मार्कअप हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किस वैल्यू को? इंक्रीजिंग वैल्यू को, इंक्रीज होगा। ये कभी सुने हो कि वस्तु का दाम लागत मूल्य है 100 रुपया और उस पर 90 रुपया अंकित कर दिया? कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं करेगा, हमेशा हमेशा फ़ायदे के लिए करता है कोई भी काम। तो यहाँ से मार्कअप करता है तो फिर हमारा क्या बनता है? MRP बनता है, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू या प्रॉफिट की तरह यूज़ करते हैं। किसके तरह यूज़ करते हैं? प्रॉफिट की तरह। MRP से जब छूट दिया जाता है, जब छूट दिया जाता है तो उसको कहा जाता है डिस्काउंट। क्या कहा जाता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट को हमेशा हम लोग डिक्रीजिंग वैल्यू की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? छूट दिया जाता है। जैसे 100 रुपया का कोई वस्तु है, 80 रुपया में बेच रहे हैं तो 20 रुपया का छूट दिए, तो हमेशा वो क्या होता है? कम करके बेचा जाता है। इसको समझना, मार्क प्राइस इंक्रीजिंग वैल्यू, डिस्काउंट डिक्रीजिंग वैल्यू, अगर इसको समझ लिए तो सारा रिलेशन समझ में आ जाएगा। एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, इसको समझते हैं। देखो ये इनिशियल प्राइस है, और जब हम लोग सेल कर चुके होते हैं, जब हमारे हाथ में नहीं होता है, तो इसको हम लोग फाइनल प्राइस कहते हैं। कौन सा प्राइस कहते हैं? फाइनल प्राइस। ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसका अगर शॉर्टकट आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। अगर किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया, या लागत मूल्य उसका 500 रुपया है, ठीक है, MRP रख दिया गया 20% ज़्यादा। कितना परसेंट ज़्यादा? 20% ज़्यादा। तो MRP जब 20% ज़्यादा रख देगा तो इसको हम लोग मार्कअप बोलेंगे। देख लो ये मार्कअप परसेंटेज है, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 500 रुपया का 20% 100 हो जाता है, तो मार्क प्राइस हम लोग क्या बोलेंगे? 600 रुपया। बोलो, बोलेंगे क्या? यहाँ से 10% का छूट दे दिया जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो 10% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो 10% होता है 600 का 60, तो 60 रुपया अगर छूट दे दिया जाएगा तो बेचा कितना में जाएगा? 540 रुपया में। बोलो, तो तीन तरह का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्कअप देखो, प्लस लगा हुआ है इंक्रीजिंग वैल्यू, माइनस लगा हुआ है डिक्रीजिंग वैल्यू। इसका इस्तेमाल हम लोग फ्रैक्शन में भी करते हैं और रेशियो में भी करते हैं। तो फ्रैक्शन में और रेशियो में कैसे करते हैं, समझना बात को। इनिशियल प्राइस से कभी भी फाइनल प्राइस निकालना हो, इनिशियल प्राइस से जब इस दोनों में तुलना करेंगे तो ये तो इनिशियल है ही, जब इसी दोनों में सिर्फ तुलना करेंगे तो मार्क प्राइस हमेशा फाइनल प्राइस होगा।
अगर इस तीनों में तुलना करेंगे तो इनिशियल प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, फाइनल प्राइस होगा। तो कभी भी फ्रैक्शन का अगर इस्तेमाल करते हैं, कभी भी फ्रैक्शन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू या इनिशियल प्राइस से फाइनल प्राइस निकालेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन का। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब गौर से देखो, अगर हम लोग को इनिशियल प्राइस 500 रुपया दिया हुआ, एक तो हम लोग सीधा सीधा इसको बना लिए बढ़ा करके घटा करके। दूसरा तरीका, दूसरा अप्रोच को समझना है। दूसरा अप्रोच हमारा दो तरह का अप्रोच है, एक तो रेशियो वाला अप्रोच है और एक फ्रैक्शन वाला अप्रोच है। दोनों अप्रोच को समझना। तो अगर इनिशियल प्राइस हमारा 500 रुपया दिया हुआ, 20% मार्कअप किया, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जा रहा है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है यानी इंक्रीजिंग वैल्यू के तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग 6/5 बोलेंगे। बोलेंगे क्या? तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से, तो अभी फिलहाल मार्कअप परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो मार्क प्राइस आ गया। अब डिस्काउंट दिया जा रहा 10% का, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। अगर इसको यूज़ करेंगे हम लोग माइनस में, डिक्रीजिंग वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा, ये 9/10। अभी इस पर से लगातार 9/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गौर से देखो, ये 5 × 10 = 50, 50 से ये 100 बार में कट गया। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो 54, 54 को ये 10 होगा, 54 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 540। तो इनिशियल से फाइनल निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ गया। इसी तरह से अगर फाइनल से इनिशियल निकालना होगा तो रिवर्स मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। रिवर्स मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आंसर लाएंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो बीच में जो भी घटनाक्रम है, जो भी फ्रैक्शन का घटनाक्रम है, सारे को क्या करेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनिशियल प्राइस आ जाएगा। यहाँ तक सही है? रेशियो में हम लोग इसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं, देखो 20%, तो हम बोलेंगे 5 से क्या हो गया ये 6, चूँकि लगातार हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 10% लॉस, 10% लेस, डिक्रीजिंग वैल्यू 10% लेस, डिस्काउंट को भी लेस के तरह ही इस्तेमाल करते हैं, तो 10% लेस का मतलब क्या हो जाएगा, 10 से 9। तो हम लोग यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से, तो ये आ जाएगा इनिशियल प्राइस 50 और 9 × 6 क्या आ गया, 54, ये फाइनल प्राइस आ गया। ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 50 बराबर 500, तो 54 बराबर 540। बोल सकते हैं क्या? तो एक तो इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चौथा भी तरीका होता है, इसको देख लो, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जब भी कोई परसेंटेज सक्सेसिव रहता है तो ए बी इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ए बी फार्मूला का भी हम लोग बोलते हैं इसको, ए बी फार्मूला, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। तो जैसे देखो, यहाँ पर ध्यान से, अगर 500 रुपया दिया हुआ और डायरेक्ट हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो ए बी इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार तो 20 प्लस हुआ 20%, एक बार 10% माइनस हुआ, प्लस 20% गुना 10% बाय 100, ये परसेंट हुआ, बोलो हुआ क्या? तो इस यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, तो ये 0 0 कट गया, बोलो कट गया। तो देखो 20 में से 10 को माइनस किए तो क्या हो गया 10, और 10 में से फिर 2 को माइनस किए तो क्या हो गया 8%। तो 8% प्लस में आया ना, तो ओवरऑल 8% प्लस में आया। 8% प्लस में आने का मतलब है कि 100 रुपया का चीज़ 108 रुपया में बिक रहा है, तो 100 रुपया का चीज़ है कितना, 500 रुपया। तो हम लोग बोल सकते हैं 100 बराबर 500, तो 108 बराबर 5 × कर देंगे 540। तो चौथा ये तरीका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना तरीका सीख लिए जल्दी में, 4 तरीका। अब ये चारों तरीका, सबसे बड़ा बात क्या है कि अब बोलोगे कि यूज़ कौन सा करना है, तो यूज़ हम लोग वही करेंगे जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका यूज़ किया जाएगा, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम सारे तरीका को सीख जाते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बना सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। तो एक तो ये चारों का चारों हुआ, क्या इसको उतारना है, इसको उतारना है तो इसको उतार लो, देख लो यहाँ से इधर से उतारना, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर एग्जांपल लिख लो, उसके बाद ये दोनों तरीका लिख लो और लास्ट में इसको लिख लो, ए बी इफेक्ट को। पहला नंबर का क्वेश्चन पहले तो समझ लो, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्ड 5 different articles अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड दीज आर्टिकल आफ्टर 2 consecutive discounts।
दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, बात समझ रहे हो? जैसे अगर कोई बोला 20% और 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? देखो इसको आसानी से बताते हैं, 100 में से एक बार 20 घटाए तो 80, क्योंकि 100 का 20% तो 20 ही होगा, और इस बार इस पर से सक्सेसिव 20% घटाएंगे, तो इस पर से अगर सक्सेसिव 20% तो 80 का 20% तो 16 होगा, तो 16 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20% दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो 100 से क्या हो जाएगा, 64, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका हो जाएगा 36% का। कितना परसेंट का? 36% का। बात आ रहा समझ में? हम लोग इसको ऐसे भी एवी इफेक्ट पे भी बना सकते हैं, देख लो, -20% प्लस -20 गुना -20 बटे क्या करते हैं हम लोग 100, तो ये दो दूनी चार प्लस में आ जाएगा, -20 -20 -40 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा -36%। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं रेशियो में, 20% छूट दिया तो 5 से क्या हो गया 4, 20% 1/5 तो 5 से क्या हो जाएगा 4, फिर 5 से क्या हो जाएगा 4, तो गौर से देखो ये 25 से क्या हो गया 16, कितना का छूट मिला, 9 छूट मिला 25 में, गुना क्या करते हैं हम लोग 100, तो देखो 25 चौका 100 हो गया 36%। तो ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत तरह से यूज़ किया जाता है, सीधा ए बी इफेक्ट लगा के रेशियो पर। अगर चार चार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहेगा तो ए बी इफेक्ट से ज़्यादा बढ़िया इफेक्टेड रहेगा ये हमारा रेशियो मेथड। तो सब तरह का चीज़ को समझना है, जब दो ही रहेगा तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे और दूसरे तरीका को नेगलेक्ट करेंगे, कभी नहीं, जितना तरीका होता है सब को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग, और दिया हुआ है ग्राफ में सबसे नीचे जो है जितना भी, जैसे स्पीकर है, पावर बैंक है, ईयरफोन है, डाटा केबल है और चार्जर है, तो सबसे नीचे वाला ग्राफ बता रहा है परसेंटेज मार्कअप, ठीक है। उसके बाद बाकी जो ऊपर वाला दोनों बता रहा है, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 है, वो इक्विवेलेंट बता रहा है, इक्विवेलेंट मतलब कंसेक्यूटिव डिस्काउंट बता रहा है। देखो स्पीकर का 100% मार्कअप है, 35% और 15% कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है या सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसी तरह से ये सारा दिया हुआ, ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया होगा। हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चार्जर। देखो क्वेश्चन कभी भी बनाओ तो जो पहले क्वेश्चन बोले ध्यान से सुन लो, एकदम सीखना है, तो कभी भी क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन को पहले समझते जाना है और डेटा कलेक्ट करते जाना बिना कुछ सोचे, और जब डेटा एक बार कलेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर DI दिया हुआ उसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अभी हम ऊपर में आते ही नहीं है, ग्राफ को देखते ही नहीं है। पहला दिया हुआ है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चार्जर एंड डेटा केबल, ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं लिखने का है, अभी हम समझा रहे इसलिए लिख रहे, चार्जर CH लिख दिए, डेटा केबल DC लिख दिए, ठीक। ये दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल दिया हुआ है, यानी अगर इसको भी 100 माने तो ये भी 100 ही रुपया होगा, बेस दोनों का सेम है, सबसे बड़ा बात ये है। तो बोल रहा क्या, देन सेलिंग प्राइस ऑफ डेटा केबल, ठीक है, इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए चार्जर। तो चार्जर का जो सेलिंग प्राइस है उससे कितना परसेंट लेस या मोर है, कितना परसेंट लेस या मोर है, ठीक है, ये दोनों ही है, अगर लेस होगा तो लेस परसेंट निकालेंगे, मोर होगा तो मोर परसेंट निकालेंगे, ठीक है, या तो लेस परसेंट या मोर परसेंट। अब आते हैं, तो इतना तो बोल दिया क्वेश्चन, अब इतना क्वेश्चन बोलने के बाद अब हम लोग यूज़ करते हैं किसका, टेबल का, जो टेबल में दिया हुआ, टेबल में दिया हुआ हमारा चार्जर का, देख लो चार्जर का अगर 100 रुपया दाम है, ठीक है, तो चार्जर का मार्कअप क्या है, 50%। बोलो सेलिंग प्राइस निकालना है तो अगर 100 रुपया दाम है तो पहले मार्कअप निकालेंगे, 50% है तो 50% में किससे गुना कर देंगे, 3/2 से बढ़ा करके, इंक्रीज़ किया तो 3/2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट दो बार है, 20%, तो 20% डिस्काउंट का मतलब कम हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/5, अगर कम होगा तो 4/5 लिखेंगे। फिर एक बार आ रहा है 10%, तो 10% अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 9/10, तो फिर से इसमें किससे गुना कर दिए, 9/10 से कर दिए क्या। अब इसके बाद अभी इसको बनाना ही नहीं है, ये हालांकि बनाओगे तो ये हो गया, कट गया, देख लो कट गया क्या, 100 से 100,
बाद में देखा जाएगा। अब इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। इसका सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस पहले लिख दिए 100 लिख दिए क्या, और डेटा केबल में देख लो 75% बोल रहा है मार्कअप। मार्कअप हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू है, और 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाता है बोलो, 3/4। तो गुना इसमें किससे करेंगे, 7/4 से। बोलो करेंगे क्या, 40% डिस्काउंट। तो 40% अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 2/5 होता है, और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5। फिर है 20%, तो 20% डिस्काउंट का मतलब 4/5, 1/5 घट जाएगा तो 4/5। अब यहाँ पर भी देखो तो 25 × 100 ये कट जाएगा, ठीक है, या 4 × 4 काट दो, इसको इसको काट दो, 25 × 100 देख लो ऐसा। क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन है तो इस दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। देख लो यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा जो सब कटा 4 × 4 कट गया, 25 × 100 कट गया, और कुछ कटने वाला है तो देखो 4 × 3 × 4 × 3 दोनों कट गया, तो बचा हुआ क्या रह गया, 9, और इधर क्या बचा रह गया, 7। तो बोलो लेस परसेंट है कि मोर परसेंट है, अगर 9 से 7 कम है कि ज़्यादा है, तो इसका मतलब मोर परसेंट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, लेस परसेंट निकलेगा। कितना कम है, कितना में, इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 22.22%। बात समझ रहे हो क्या, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%, उसका ये दोगुना है 2/9, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डबल 11.11 का डबल 22.22% लिख लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 नंबर का दिया हुआ, इफ़ द टोटल डिस्काउंट गिवन बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग ए स्पीकर इज ₹1611 स्पीकर में, ठीक है, टोटल डिस्काउंट रुपया के रूप में दिया हुआ, लेकिन हम लोग पहले निकालेंगे परसेंटेज के रूप में। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ ए स्पीकर। तो यहाँ पर स्पीकर लिख दिए हम लोग, स्पीकर, ठीक है, और इसका दो चीज़ है, तीन चीज़ है यहाँ पर, एक तो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या मान ले, 100, ठीक है। अब देख लो टेबल में क्या दिया हुआ, स्पीकर में, स्पीकर में आओगे तो 100% है इसका मार्कअप, कितना परसेंट मार्कअप, तो ये कॉस्ट प्राइस अगर इसका 100 हुआ तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा बता दो, 200। बोलो आसान है। अब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, या यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट पे गौर करते हैं कि डिस्काउंट कितना दिया। तो डिस्काउंट अगर 35% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, 35% 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं या तो 35% घटा लेंगे, या तो ए बी इफेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं ए बी इफेक्ट का, देखो 15% प्लस 35 × 15 क्या हो जाएगा, 100, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 35 और 15 मिलके तो 50% हो गया, बोल हो गया क्या। और 35 को अगर 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 35 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 350, और 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, दोनों को जोड़ेंगे तो 525, तो 525 दोनों प्लस में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5.25%, बोलो होगा प्लस में। तो -50 + 5 तो -45 और -44.75% हो जाएगा, बोलो होगा क्या। लेकिन -44.75% है 100 में, तो बताओ 200 में कितना, डबल कर दो, 100 में 44.75 तो 200 में कितना, इसका डबल। तो डबल अगर करोगे तो इसको हम लोग डिस्काउंट में क्या लिख दे बताओ, डिस्काउंट में हम लोग इसको लिखेंगे 44 का डबल 88 होगा और 75 पैसा का डबल 150 होगा, तो 89.5%, बोलो लिख सकते हैं क्या, या 89.5 यूनिट लिख देते हम लोग, और सेलिंग प्राइस से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा ना, इसके बारे में दिया हुआ 89.5 बराबर है 1611 रुपया, कितना रुपया, 1611 रुपया, और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100 बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, तो क्या हम नहीं निकाल सकते क्या, तो 1611/89.5 × क्या कर देंगे 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, बोलो निकलेगा क्या। तो देख लो ये क्या हुआ, डिफरेंस क्या पूछ रहा, किसका, सेलिंग प्राइस का, चलो सीपी और एसपी का, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, एमआरपी का पूछ रहा है तो भी 100 ही हुआ, इस दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 100, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो भी 100, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो भी 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो ये देख लो क्या हो जाएगा, अगर काटोगे इसको थोड़ा सा काट दो, 5 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये 200 हो जाएगा, 5 इकाई 5, यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 3,
पाँच सते 35, पाँच नमे 45, नौ नमे 81, 17 नमे 153 और 8 161, ये 9 बार में कट गया। देख लो कितना बार में कट गया, 9 बार में। तो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? 89.5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1611 रुपया को। क्वेश्चन पूछ रहा सीपी और एमआरपी का डिफरेंस क्या है, तो सीपी और एमआरपी का डिफरेंस भी 100 है, तो 100 बराबर निकाल ले 1611 बटे 89.5 इंटू 100 करके 1800। 33वें नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। 33वें नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ईयरफोन, यानी एक ईयरफोन का सेलिंग प्राइस पता करना है। इफ़ ऑन सेलिंग द थ्री ईयरफोन द शॉपकीपर हैड ए प्रॉफिट ऑफ 372। तो तीन ईयरफोन बेचने पे 372 रुपये का फ़ायदा होता है, तो एक ईयरफोन बेचने पर 124 रुपये का फ़ायदा होगा, बोलो होगा क्या? तो ये प्रॉफिट हमको पता है कि 124 रुपये का। अब जो भी करना है हमको सीपी से एसपी के बीच का हिसाब किताब करना है। अब आ जाते हैं, ये ईयरफोन का बात कर रहा है, ठीक है। तो ईयरफोन का अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपया होगा, कितना रुपया, 100 रुपया, ठीक। अब यहाँ से देखो, ईयरफोन 120% बढ़ा के, मार्कअप है 120%, दिख रहा है 120%। तो 120% का एक तो वैसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू 6/5 होता है, 20% बढ़ा के तो ये हो जाएगा 11/5, बोलो क्या हो जाएगा, 11/5। तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, 100 में 11/5 से मल्टीप्लाई किए तो ये मार्क प्राइस आ गया। अब यहाँ से दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक 30% का डिस्काउंट देगा तो 7/10 से गुना करेंगे, और 25% का डिस्काउंट देगा तो 3/4 से गुना करेंगे। 25% का मतलब 1/4 होता है, लेकिन डिस्काउंट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, 3/4। अब यहाँ से देख लो, 50 कट गया दो बार में, ये भी कट जाएगा दो बार में, बोलो कट जाएगा क्या? और इस दो को उठा के अब यहाँ पे लेके चले आओ, हो जाता 231। 11 से गुना करने आता है ना, छोटा छोटा चीज़ है, तो 231 हो गया। गुना कैसे करना सारा बात पता होना चाहिए। ये दो उठ के इधर आ गया 200, और ये क्या आ गया, 231। तो दोनों के बीच में 200 और 231 प्रॉफिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 31 यूनिट को। हम लोग बोल सकते हैं 31 यूनिट बराबर 124 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 4 रुपया, बोलो। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है इसका, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 200 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 800 रुपया, यही पूछ रहा है ना, और कुछ पूछ रहा है, बोलो। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है इसका, तो सेलिंग प्राइस 231 गुना 4, जो पूछे 1/4 आ गया ना, जो पूछे निकल जाएगा। तो 33 नंबर में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो 231 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ये है आंसर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए डेटा केबल एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पावर बैंक, तो डेटा केबल का 34 नंबर का क्वेश्चन बता रहे, डेटा केबल का सेलिंग प्राइस, डेटा केबल का सेलिंग प्राइस वो दिया हुआ 210 रुपया, ठीक है, आगे पढ़ोगे तो दिख जाएगा। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ पावर बैंक, तो पावर बैंक का जो है वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ अभी फिलहाल 750 रुपया रेस्पेक्टिवली, सही है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पावर बैंक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पावर बैंक, इसका डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पावर बैंक एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ डेटा केबल, इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसका निकालना कॉस्ट प्राइस और इसका निकालना सेलिंग प्राइस, और दोनों का क्या निकालना हमको, अंतर, बोलो। जो बोला उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किसका हेल्प लेंगे, टेबल का। तो डेटा केबल का 210 रुपया कॉस्ट प्राइस निकालना है, अभी बताए थे फाइनल से इनिशियल निकालना, तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स कर देंगे, और अभी बताए थे इनिशियल से फाइनल निकालना तो कैसा मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ पर रुपया के रूप में बात कर रहा है तो हम लोग रुपया को रखेंगे, इसका रेशियो नहीं निकालेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं 210। डेटा केबल पे बात करो तो डेटा केबल का देख लो यहाँ पर दिया हुआ है 20% डिस्काउंट, तो 4/5 उल्टा गुना कर दो, 5/4 कर दिए, 40% डिस्काउंट 3/5 उल्टा गुना कर दो, 5/3, ठीक। 75% मार्कअप, 75% का मतलब 3/4 यानी 7/4, उसका उल्टा गुना कर दो, 4/7। तो गौर से देखो, ये चार कट गया और ये कट के हमारा क्या हो गया, 10, तो 5 × 5 × 10 तो ये हो गया 250, क्या हो गया बोलो, 250, सही है।
अब इसका हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पावर बैंक का, तो कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस, तो 750 रुपया दिया हुआ कॉस्ट प्राइस। मार्कअप परसेंटेज देख लो क्या दिया हुआ पावर बैंक का, मार्कअप परसेंटेज दिया हुआ 60%, तो 60% बढ़ेगा तो 8/5 हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसका करना है, 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 3/5, बढ़ेगा तो 5 × 3 = 8/5, सही है। 25% यहाँ से डिस्काउंट दिया गया तो 3/4, और 20% का एक बार फिर से डिस्काउंट दिया गया तो 4/5, तो ये दोनों कट जाएगा। देख लो 4 × 4 = 25, 25 × 3 = 75, ये कट जाएगा। अब हमारा क्या आ गया देख लो, 8 × 3 = 24 × 72, 720 रुपया बोला गया क्या, तो ये 250 रुपया और 720 रुपया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसे बन जाएगा। देखो 50 रुपया इसमें जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो 50, दोनों में जोड़ दिए 50, 50 इसमें जोड़ दिए क्या हो गया 770, अब 50 इसमें जोड़ दो क्या हो गया 300, अब 770 से 300 घटा दो कितना आसान हो गया 470 आंसर। आया कुछ समझ में, या घटाने के लिए ऐसे भी घटा सकते हो, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट अर्न बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग ए चार्जर एंड ए पावर बैंक टुगेदर, दोनों का मिला करके, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ चार्जर एंड पावर बैंक आर इक्वल, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है इसलिए आसानी से निकल जाएगा, अगर नहीं रिलेशन दिया हुआ रहता तो फिर तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। यहाँ देख लो तो चार्जर और क्या दिया हुआ है पावर बैंक, ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस 100-100 रुपया मान लेते हैं, मान लेना क्योंकि टुगेदर बोला है तो टोटल मिलके कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 200, सही है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्जर का भी सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए और पावर बैंक का भी सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, तो दोनों का सेलिंग प्राइस हम लोग जोड़ लेंगे और उसमें से दोनों का कॉस्ट प्राइस घटा करके प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन ज़्यादातर चीज़ जो करना है वो हम लोग को माइंड में करना है, ध्यान से देखो, क्योंकि 100 रुपया 100 रुपया माने हैं तो इसी पर बनाते हैं, तो हम लोग इसको निकालते हैं। 100 रुपया अगर यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर देखो चार्जर का, चार्जर दिया हुआ है 50% ज़्यादा मार्कअप, तो सबसे पहले मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इसका 50% ज़्यादा तो 150 हो जाएगा, बोलो होगा क्या। और यहाँ से दो बार छूट दिया जा रहा है, एक बार 20% का और एक बार 10% का, तो देखो हम लोग इसको ऐसे ही सिंपल तरीका से बना लेते हैं, 20% का छूट देगा तो 30 रुपया छूट दिया 120 हो गया, और 120 पर से फिर 10% का छूट दिया तो 12 रुपया का छूट हो गया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 108 रुपया। कुछ लिखना पड़ा क्या, ऐसे भी तो निकाला जा सकता है, 150% 30% का छूट दिया, 150 पर से पहले 20% का छूट दिया तो 10% 15 होता है, तो 20% क्या होगा 15 × 30, तो 30 रुपया घटा तो 120। अब उस 120 पर से 10% का छूट दे रहा तो 120 का 10% 12 होगा, अगर 12 छूट दे दिया तो कितना रुपया में बेचेगा 108 में, तो इसका सेलिंग प्राइस 108 निकल गया। अब आते हैं पावर बैंक, पावर बैंक में देख लो दिया हुआ है 60% बढ़ा करके, तो MRP इसका क्या निकल जाएगा 160, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से दो बार छूट दे रहा है, एक बार 25% का और एक बार 20% का, अगर 25% का छूट दिया तो 160 का 25% 40, तो 120, अब 120 का 20% 24, तो 24 रुपया अगर घटा दिए 120 में से तो 96 हो गया, बोलो यही हुआ ना। अब गौर से देखो तो सेलिंग प्राइस 108, सेलिंग प्राइस 96, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 204, बोलो आएगा क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस 200, टोटल सेलिंग प्राइस 204, तो 4 रुपया प्रॉफिट हुआ 200 में, तो परसेंटेज हो गया 2% प्रॉफिट का, 4 रुपया 200 में, तो 100 में कितना 2 आंसर। व्हाइल गोइंग अप स्ट्रीम इट गोज एट 75% ऑफ इट्स टॉप स्पीड, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका अगर स्पीड है रियल में मैक्सिमम, तो अगर यह अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम हमेशा धारा के विपरीत होता है ना, तो अप स्ट्रीम में अगर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा उसका 40 किलोमीटर पर आवर का 75% हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, बोलो होगा क्या, 40 किलोमीटर पर आवर का 75% 75% 3/4 मल्टीप्लाई करो 3/4 को 40 से, तो क्या आ गया हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, रहने दो अभी। फिर कह रहा क्या, एंड वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ बोट इट गोज एट 65% ऑफ इट्स टॉप स्पीड,
तो 65% अगर 40 का निकालोगे तो आ जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। कैसे आ गया? ऐसा करो ना, 65% का फ्रैक्शनल वैल्यू 13/20 होता है। बोलो क्या होता है? तो 40 किलोमीटर पर आवर का 65% निकालोगे यानी 13/20 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 13 × 26। या 60% निकाल लो, 40 किलोमीटर का 60% अगर निकालोगे तो 24, 5% 2, तो 24 2 मिलके क्या हो गया? 26। तो ऐसे लिख लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ इट्स ट्रेवल इन ए स्ट्रीम विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ई क्या बोला? इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रीम विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, या 5 किलोमीटर पर आवर कहाँ से आया? बोलो। देन अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम्प्लीट ए राउंड ट्रिप ऑफ 200 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ पे हमको थोड़ा सा जो है संदेह हो रहा है। संदेह क्या हो रहा है? इसको क्या देना चाहिए था? इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर तो किसी के बारे में बात ही नहीं किया, वेलोसिटी ऑफ बोट के बारे में तो दोनों पहले ही बोल दिया। अगर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम का बात करेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, 200 किलोमीटर का क्या कहा जा रहा है? लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ 200 किलोमीटर डिस्टेंस। क्या हुआ? हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, ये हो सकता है। क्यों? हो सकता है कि धारा के दिशा में जा रहा है, उसका मन कर गया कम स्पीड में जाएंगे। नहीं जा सकता कम स्पीड में, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट ही दिया हुआ, समझे? वेलोसिटी ऑफ बोट कांस्टेंट नहीं है, देख लो ना, बोल दिया क्वेश्चन में। अपस्ट्रीम में 75% से जाता है और 65% से जाता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कांस्टेंट नहीं है, जो कि हमेशा होता है अक्सर। यहाँ पे इसको क्या देना चाहिए था? हमें जो लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? एक बार हम लोग इस पर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये देख लो, ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा और ये वाक्य हो ही नहीं सकता, ऐसे आएगा नहीं। जब तक वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट तो यहाँ पर हमको दिया हुआ ही है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम अगर 5 किलोमीटर है और 200 किलोमीटर का राउंड ट्रिप मार रहा, तो एक बार 100 किलोमीटर गया होगा, एक बार 100 किलोमीटर आया होगा। तो ऐसा हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ, सही है। एक बार अगर धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो ये 5 किलोमीटर से क्या होगा? ये घट जाएगा। बोलो घटेगा क्या? तो अप स्ट्रीम में ऐसा हो सकता है कि 100 किलोमीटर जाएगा और वेलोसिटी ऑफ बोट 30 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा? तो 100 किलोमीटर जाने में 25 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, और 100 किलोमीटर फिर धारा के साथ जाएगा, तो इस बार 5 इसमें जुटेगा, तो 5 जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए टोटल टाइम, तो ये 4 घंटा आ जा रहा है, देख लो, प्लस 31 या 93, बच गया 7/31। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, 4 × 3 = 7 पूर्णांक 7/31 आवर। अगर ऑप्शन में ऐसा है या आंसर कुछ दिया हुआ है तो बोलो। क्या दिया हुआ है? कितना नंबर का क्वेश्चन था भाई? 7.23 आवर दिया हुआ हमारा, देख लो दिया हुआ ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लो, वहाँ पे लिख लो इफ ट्रेवल इन ए स्ट्रीम विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर। इफ द यहाँ पर लिख सकते हो इफ द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, ठीक है, बाकी को काट दो। इफ द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, इसके अलावा और कुछ नहीं। हिंदी में कुछ अलग दिया हुआ क्या? देख लो, तो सेम ही वैसा ही दिया हुआ है। चलो यहाँ पर देख लो, हमको सनसे लग, अच्छा इसका आंसर की क्या दिया हुआ? यही है ना, चलो यानी इसका क्वेश्चन सही करो, ठीक है, क्वेश्चन सही कर लो। ये जो 5 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ, धारा का गति दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन में कहाँ गलती था? 39 कंप्लीट हुआ, उसके बाद बोलो 40 बन गया क्या? 40 के बाद आ जाओ, 41 से 45 के बीच में जो हमारा DI का दिया हुआ पाई चार्ट, वो सबसे बन गया क्या? चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग 46 से लेकर के 50 तक में सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलते जाओ।
चलो ठीक है। अब देख लो यहाँ पर 51 से लेके 55 के बीच में हमारा क्वांटिटी बेस्ड डेटा इनइक्वालिटी दिया हुआ, अरिथमेटिक बेस्ड डेटा इनइक्वालिटी भी इसको कहते हैं, और आजकल इसका बहुत ज़्यादा चलन है। आजकल तो ये क्लर्क में भी पूछ दे रहा है, तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करना है। ये अगर अभी आ गया, यानी अरिथमेटिक अगर आपका अच्छा है और जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं, तो फिर हमारा ये 5 क्वेश्चन एकदम रखा हुआ बहुत आसान होता है। मेंस में पहले पूछा जाता है, आजकल प्री में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताओ 51, 52 बन गया है पक्का? 53, 51 नहीं बना, ठीक, कोई नहीं बना, बहुत अच्छे, चलो कोई बात नहीं है। तो कोई नहीं बना तो बन जाएगा, है कि नहीं? देखो देखो 51 सब क्या है, ये जो 51 से लेके 55 तक दिया हुआ है, ये सारा अरिथमेटिक दिया हुआ, तो अरिथमेटिक का अगर थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते 51 से, ठीक है। 51 का देखो क्या दिया हुआ, 51 का क्वांटिटी 1 में क्या दिया हुआ, क्वांटिटी 1 में पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर क्वांटिटी 2 को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर देंगे। बोला ए मेन कैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर बाय द मेन इन स्टिल वाटर इफ द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट ए डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम इज 2:1। गौर से देखना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्पीड दिया हुआ इसका 2:1, समझ रहे हो क्या क्या स्पीड दिया हुआ, 2:1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो एक बात बताओ कि डाउन स्ट्रीम में अगर इसका स्पीड 2 यूनिट है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, इस दोनों के जो बीच में होगा वही होगा, यानी इस दोनों के बीच में क्या होगा, 1.5। या अगर वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना हो और ये दोनों गिवेन है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना हो और ये दोनों गिवेन है, तो क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट बराबर होगा वी डी प्लस वी अप बाई 2, और वेलोसिटी ऑफ स्टीम बराबर होगा वी डी माइनस वी अप बाई 2। अगर अभी चूंकि डिस्कशन चल रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग अभी फोकस नहीं करेंगे, जिसको भी कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारा एक बोट एंड स्टीम का एक वीडियो आया हुआ है यूट्यूब पे, देखो ना, उसको पूरा कंप्लीट 1.5 घंटे का वीडियो है, वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरू से लेकर के अंत तक देख लोगे तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग 1.5 रखते हैं, तो 2 बराबर 12 आ गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6, और जैसे ही 1 बराबर 6 होगा तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। तो इन स्टिल वाटर क्या हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बोल रहा है क्या, 12 किलोमीटर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 12/9 लगेगा, यानी 4/3 आवर लगेगा, बोलो लगेगा क्या। तो ये क्वांटिटी 1 हो गया। क्वांटिटी 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वांटिटी 2 बोल रहा है ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस इन 195 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन द सेम मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस बाय रनिंग एट द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहले चला 4 किलोमीटर पर आवर से 195 मिनट तक, तो मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर लेते, सही है। तो ये डिस्टेंस चला, बोलो। अब बोला इसी डिस्टेंस को तय करने में स्पीड अगर 13 किलोमीटर पर आवर हो तो कितना टाइम लगेगा, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 चौका 60, 15 कई 15 15 या 45, तो 13 किलोमीटर पर आवर 13 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा लगेगा। अब बताओ कि इसका टाइम दिया हुआ 4/3 घंटा और इसका टाइम दिया हुआ 1 घंटा, दिया हुआ क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, बोलो बोल सकते हैं क्या, क्लियर है। क्वांटिटी 1 दिया हुआ है 3 years ago, 52 का क्वांटिटी 1 दिया हुआ है 3 years ago, 3 वर्ष पहले। द एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4, तो तीन वर्ष पहले ए और बी का जो एज का रेशियो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 3:4। एंड आफ्टर टू ईयर्स इस दोनों का सम दिया हुआ 45 ईयर्स, ठीक है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। एक बात बताओ, रेशियो को समय में नहीं लेके जा सकते, लेकिन समय को रेशियो में लेके जा सकते हैं।
तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद दोनों 5-5 वर्ष बढ़ा होगा, बोलो। तो 5 वर्ष ये भी बढ़ा और 5 वर्ष ये भी बढ़ा, तो दोनों मिलके कितना वर्ष बढ़ा। अगर हम 45 वर्ष से 10 वर्ष घटा दें तो 3 वर्ष पहले का ये टोटल आ जाएगा इसका 35 वर्ष, और जब 3 वर्ष पहले आ जाएगा 4 × 3 = 7 बराबर 35, 1 = 5, तो 5 × 3 = 15, इसी का निकालना है। तो 3 वर्ष पहले है 15 वर्ष, तो प्रेजेंट एज अगर देखोगे ए का तो वो क्या हो जाएगा 18 वर्ष, बोलो होगा क्या। तो ये आ गया हमारा क्वांटिटी वन। क्वांटिटी टू का अगर बात किया जाए तो क्वांटिटी टू में देख लो क्या दिया हुआ। क्वांटिटी टू में दिया हुआ है 5 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू, ये भी 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले पी और क्यू का एज का रेशियो 3:4 दिया हुआ। आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष के बाद, ध्यान से देखना, 6 वर्ष के बाद प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ पी। 6 वर्ष के बाद क्वेश्चन पे गौर करना क्या बोला, 6 वर्ष के बाद आफ्टर 6 ईयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। कोई बात नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 वर्ष पहले पी और क्यू का जो एज का रेशियो था वो क्या था हमारा 3:4, पी एज आफ्टर 6 ईयर, तो पी एज आफ्टर 6 ईयर तो पी कितना बढ़ेगा बोलो, 6 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 वर्ष यहाँ से बढ़ा तो प्रेजेंट में आया और 1 वर्ष और बढ़ेगा, सही है। और क्वेश्चन फिर बोल रहा है क्या, इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, और इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू तो ये तो 5 ही वर्ष बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा क्या। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना ले, ये 3x है ये 4x है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 3x प्लस 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, सॉरी ये टोटल हम लोग इसको 11 कर देते हैं, आफ्टर 6 ईयर तो टोटल हो जाएगा 11 वर्ष। तो 3x में क्या ऐड कर देंगे, 11 वर्ष, ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 5 वर्ष। तो 4x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 11 के, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 वर्ष, बोलो होगा क्या। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा प्रेजेंट एज ऑफ पी, तो पहले तो ये 6 × 3 = 18 हो गया, 5 वर्ष पहले 18, तो प्रेजेंट एज अगर निकालोगे पी का तो 6 में 18 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 5 वर्ष ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 वर्ष। तो यहाँ से आंसर हम लोग देख सकते हैं, या इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, सुन लो, अभी हम ऐसे ही फालतू का बना रहे हैं, बनाने का ज़रूरत नहीं है। जब एक बार में पता चल गया कि 5 वर्ष पहले ये था 18 वर्ष का, तो प्रेजेंट में आएगा तो 18 से तो ज़्यादा ही होगा ना, जोर जार क्या करना है, एक बार में हम लोग लिख सकते हैं ए इज लेस देन पी, मतलब क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू। क्वांटिटी वन में दिया हुआ, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% वाइल द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 10% देन फाइन परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 120 10% घटा दो 108, 8% प्रॉफिट एरिया में, एक बार में लिखा जा सकता है इसको। 20% बढ़ा 10% घटा, 100 से 20, या सक्सेसिव लगा दो, 20% बढ़ा 10% घटा प्लस 20 × -10 / क्या हो जाएगा 100, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 10 × 2 = 12, 12 घटा दिए 20 से तो 8% आ गया। ये क्वांटिटी वन का बात है, क्वांटिटी टू का बात करते हैं हम लोग। इफ़ द बेस ऑफ ट्रेंगल इज इंक्रीज बाई 30%, 30% इंक्रीज कर गया, ट्रेंगल का क्या होता है बेस, 1/2 × बेस × हाइट, यही होता है। तो बेस बढ़ा 1/2 एक्चुअल वैल्यू है, इसको लाना नहीं है 1/2 में, तो बेस इंटू हाइट है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो सक्सेसिव के तरह ही यूज़ करते हैं। बेस के बारे में बात क्या कर रहा है, 30% इंक्रीज़ किया, सही है, 130 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम का अप्रोच नहीं है, एग्ज़ाम का अप्रोच ऐसे ही माइंड में है, 30% बढ़ा और डिक्रीज कर गया 20%, तो 130 से 20% डिक्रीज करेगा तो 26 घट गया ना, तो 130 में से 26 घटा तो 104 पे आ गया, और ये 8% है और ये 4% है, तो बताओ आंसर क्या होगा, समझ में आया। तो ऐसे ही करना है इसको, लेकिन एग्ज़ाम अभी हम समझाने के लिए इसको बता देते हैं, देख लो, तो ये 20% डिक्रीज कर जाएगा, तो 30 × -20 / क्या कर देंगे हम लोग 100, तो ध्यान से देखो क्या हो गया, 20 × 6 = 26 - 26 30 में से तो +4%, परसेंटेज चेंज क्या हो गया 4%, और परसेंटेज चेंज में पूछ रहा। अच्छा अगर क्वेश्चन पे गौर करो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे, अगर परसेंटेज चेंज का बात किया तो परसेंटेज चेंज इसका क्या है, 8% ज़्यादा, और परसेंटेज चेंज क्या है इसका, 4% ज़्यादा, तो आंसर हमारा क्वांटिटी वन ग्रेटर देन टू होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा क्या एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज का बात नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, समझ रहे हो ना।
अगर ऐसा बोल दिया कि इसका एरिया कितना बढ़ा या घटा, परसेंटेज में नहीं, एरिया वाइज एक्चुअल वैल्यू में, और इसी तरह से इसका भी एरिया में पूछ दिया क्या बढ़ा या घटा, तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हो सकता है कि इसका इसका जो बेस बहुत बड़ा हो, 200 हो, 400 इसका हाइट हो, जबकि इसका दो ये हो, चार हो, तो परसेंटेज अलग हो सकता है। मेरे पास अगर 100 रुपया है और 50 रुपया खर्च कर दिए तो हम 50% खर्च किए, और मुकेश अंबानी के पास अगर 1 करोड़ है, 50 करोड़ खर्च कर दिया, 50 लाख खर्च कर दिया, तो वो भी 50% खर्च किया, तो क्या बोलेंगे हम? उसके बराबर खर्च किए हैं, बताओ। अलग चीज़ है और एक्चुअल वैल्यू क्या है, अलग चीज़ है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। चलो आते हैं हम लोग फिर, ये तो आसानी था, इसको वर्बली सॉल्व करना था, इसमें टाइम नहीं लगाना था, और ऐसा में बहुत सारा आसानी है। देख लो नेक्स्ट भी देख लो, तुम्हारा 54 नंबर का, द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 4800, देन प्रिंसिपल इज, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 5% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15% बराबर 4800। हम हिंट्स दे रहे हैं, अब ये बनाएंगे नहीं, ठीक है, अभी हम बनाएंगे नहीं, हिंट्स दे रहे हैं, बन जाएगा ना, क्योंकि सारा बनाना संभव नहीं हो रहा, हमारा 1 घंटा पार कर गया। हिंट्स दे रहे हैं, जो नहीं बनेगा उसको तो बताएंगे ही, चाहे 2 घंटा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये बहुत आसान है, इसको समझना। द एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम इज 4800, 15% बराबर 4800, तो 100% बराबर निकाल लेंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। इधर आ जाओ, सी आई बोल रहा है 6% दो वर्ष में, तो 6% 6% 12% और 6 का 6% 0.36%, तो 12.36% बराबर हो जाएगा 3708, देन प्रिंसिपल निकल जाएगा। यहाँ पे पता चल जाएगा क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के बारे में पता चलेगा। बढ़ते फिर आगे, 55 नंबर का क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर 55 नंबर का भी वही क्वेश्चन है, गोट एंड स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। यहाँ पर 55 नंबर पे ध्यान दो, बोल रहा है क्या, बिपिन कैन स्विम 86 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, द रिवर फ्लो 83 किलोमीटर पर आवर, इट टेक 8 आवर मोर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम फॉर द डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस। कुछ नहीं है इसमें, देख लो 6 किलोमीटर पर आवर है ना जी, अगर वो धारा के साथ गया डाउन स्ट्रीम में गया तो 9 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, और धारा के विपरीत गया तो वो 3 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ये इसका स्पीड है, टाइम हो जाएगा इसका उल्टा, 1:3 हो जाएगा, सेम डिस्टेंस आ रहा, सेम डिस्टेंस आ रहा, टाइम क्या हो गया उल्टा, 1:3। अब यही बात बोला है कि अप स्ट्रीम में 8 घंटा ज़्यादा समय लगाता है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 बराबर 8 घंटा, 1 बराबर, तो कहीं भी 1 बराबर यहाँ लिख लो 4, या 1 बराबर 4 लिखो तो यहाँ लिख लो 4 या 12, कहीं लिख लो, या तो यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, दोनों नहीं लिखना। अब डिस्टेंस निकाल लो ना, तो 9 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा जाएगा, तो 9 चौका 36 किलोमीटर, बोलो क्वांटिटी 1 निकल गया। क्वांटिटी 2 में क्या हो जाएगा, ए मैन कैन रो 25 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर एंड रिवर इज रनिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर, इफ़ द मैन टेक 2 आवर टू रो टू प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस। ये भी आसानी है, एक डिस्टेंस मान लो अपने मन से, कुछ भी डिस्टेंस, ये क्वांटिटी 1 हो गया, कुछ भी डिस्टेंस मान लो, चलो डी बटे हम लोग 25 लिख लेते हैं, 25 में 15 एक बार जोड़ दो 40, और एक बार 25 में से 15 घटा दो 10, और इसमें टोटल इसको टाइम लग रहा 2 घंटे का, टोटल टाइम कितना घंटे का लग रहा है, 2 घंटे का, हम इसको रेशियो पे भी बता देते हैं, ठीक है, एक तो ऐसे भी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये 40 आएगा, 1D + 4D, 5D, 5D = 2, तो D बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16, बोलो होगा क्या, तो ये तो बड़ा हो गया ना, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक बार स्पीड इसका क्या हो गया 40, एक बार स्पीड इसका क्या हो गया 10, तो टाइम क्या हो जाएगा 1:4, टोटल क्या यूनिट हो गया 5, तो 5 यूनिट बराबर 2 घंटे के, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम होता है, या तो 40 × 1 = 40 या 10 × 40, तो 5 / 2 तो 40 / 5 का ये 8 गुना है, तो 2 का भी 8 गुना लिख देंगे 16 घंटा, तो यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा, रेशियो पे ऐसे बना लेंगे, डिस्टेंस डी मान लेंगे तो फिर ऐसे बना लेंगे, कोई भी तरीका से बना लो, लेकिन हमारा जो क्वांटिटी 1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है क्वांटिटी 2 से। चलो गुड, हाथ स्पीड में चलाना है, ब्रेन थोड़ा स्लो चलाना है, एग्ज़ाम में बहुत फास्ट चलाना है, समझने में थोड़ा स्लो स्लो समझो, यूज़ अप्लाई करो फास्ट, समझना बहुत स्लो है, जब तक स्लो में नहीं समझोगे फिर समझ में नहीं आएगा क्लियर चीज़। किसी चीज़ को अगर बताया जा रहा है शुरू शुरू में तो उसके बारे में पूरा गहन अध्ययन होना चाहिए, एकदम गहन रिसर्च होना चाहिए, और बाद में क्या होता है जब हम उसको समझ चुके होते हैं
तो फिर अप्लाई हम लोग अच्छा से कर पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, अभी बक्का भी बात बता रहे, जिस रोड के बारे में नहीं पता होता है उसमें तुम बाइक लेके चले जाओ, कार लेके चले जाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है चलाने में शुरू शुरू में, लेकिन घर से यहाँ आना है, सेंटर पे आना है और डेली इसी जगह पे आना है, तो हर एक गली मालूम होता है, हर एक जगह, यहाँ भीड़ है इस तरफ से निकलेंगे, यहाँ भीड़ है इस तरफ से निकलेंगे। तो मतलब यही है मैथमेटिक्स में भी, कि हमारे पास अगर सारा नॉलेज है, सारा तरीका है, तो किस तरीका का यूज़ करेंगे ये हमारा दिमाग खुद बोल देगा एक समय में। समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे ही चलता रहेगा। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं, फिर 55 तक कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद बता दो कौन सा 56। ए मंकी इज एट बॉटम ऑफ ग्रीज्ड पोल, ग्रीज्ड पोल है तो सीधा सा बात है उसमें फिसलन होगा, ठीक है, ग्रीज्ड पोल। ट्राइंग टू रीच एट द टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप पे ये चढ़ना चाह रहा है। इन एवरी जंप इट कवर्स 2.25 meters, ड्यू टू ग्रेसिंग स्लिप 1.5 meters। एक जंप मारता है तो 2.25 meters चढ़ जाता है, लेकिन फिर 1.5 फिसल जाता है। तो प्रत्येक जंप पे अगर गौर करोगे तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, दो बार हो गया ना, एक बार चढ़ा एक बार उतरा, फिर एक बार चढ़ा फिर एक बार उतरा, ऐसा उतरा। तो टोटल जो पोल का लेंथ है, वो पोल का लेंथ है 100 meters, कितना मीटर, 100 meters, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 2.25 चढ़ रहा है और फिर अगले ही पल फिसल जा रहा है 1.5, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 0.75 meters, ये दो बार में, कितना बार में, दो बार में। अब यहाँ पर 100 meters है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बनाओ तो ये जो चढ़ने वाला डिस्टेंस है उसको पहले माइनस कर लो 100 से, तो 100 से माइनस कर लिए 2.25, तो हमारा आ जाएगा 97.75। अब गौर से हमको ये देखना है कि 75 से 97.75 कट रहा है या नहीं कट रहा। कटेगा कैसे, जब 25 थी या 75 है, ये 75 75 है, ये किस, इसमें फैक्टर देखोगे तो कौन कौन सा फैक्टर है, 25 और 3, तो ये 25 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, तो इसका मतलब अगर 77.75 25 से भी कट रह जाए, 3 से भी कट जाए, तो हम समझ जाएंगे इससे भी कट जाएगा। चेक कर लेते हैं, 75 25 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, चेक करते हैं, तो 9 कट जाएगा 3 से, 7 7 14 5 19, क्या 3 से कटा, नहीं कटा। अब जब नहीं कटता है तो वह संख्या लेते हैं जो 97.75 से जस्ट बड़ा हो और 0.75 का मल्टीपल हो, 0.75 का क्या हो, मल्टीपल हो। अब 0.75 का मल्टीपल कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 77.75 है, एक तो 25 से कटना चाहिए, तो पहले हम लोग इससे थोड़ा बढ़ा के लेते हैं 98, 9 8 17, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, थोड़ा 98.25 ले लो, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं 98.25। थोड़ा सा यहाँ पर डेटा ऐसा दे दिया है कि तुम लोग को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो 98.25 देखो 3 से कट रहा है क्या, 8 2 10 5 15 कट रहा है, तो 3 से भी कट गया, 25 से भी कट गया। तो अब हम लोग चढ़ाएंगे कितना मीटर खंभा, इतना मीटर खंभा चढ़ाएंगे, कितना मीटर देख लो, तो 0.75 meters दो जंप लगाने में, तो इतना मीटर। अब 0.75 से इसके बारे में पता कर लेते हैं कि ये कितना टाइम्स है, तो 98.25 by 0.7, चलो पॉइंट हटा देते हैं, 25 तिया 75, ये हमारा 23 बच जाएगा, 25 9 में 100 225, अब ये हमारा क्या बच जाएगा, 25 तिया 75, 393, 3 से फिर इसको काट दो 131, तो ये 0.75 से कितना टाइम्स है, 131 टाइम है, बोलो है ना। हालांकि ये जो जंप है, जंप हम लोग एक ही बार बोलेंगे इसको, एक बार तो फिसल रहा है तो एक ही बार बोलेंगे इसको, तो ये एक बार हुआ तो यहाँ से भी 131 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना बात तो समझ में आ गया कि 98.25 चढ़ने में इसको 131 जंप लगेगा, और नेक्स्ट टाइम में ये फिर चढ़ जाएगा ना, और चढ़ने वाला डिस्टेंस इसका क्या दिया हुआ, 2.25, तो अगर 2.25 इसमें अगर ऐड भी कर दोगे तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, तो 100 से ऊपर चला जाएगा तो अपना आराम से बैठा रहेगा, लेकिन नेक्स्ट जंप पे तो चढ़ जा रहा ना, तो नेक्स्ट जंप पे चढ़ रहा है, यानी एक और जंप लगेगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 132 जंप, ठीक है, लिखो इसको। के बाद 0.75 से कटने वाला कोई संख्या लेंगे तभी तो इससे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ तक इस संख्या तक आ जाएंगे, अगर इससे नीचे वाला संख्या लेते तो एक बार चढ़ के फिसलने का संभावना बढ़ जाता है, इसलिए जस्ट इससे ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, बताना है जल्दी से कि 14 मीटर का एक खंभा है, कितना मीटर का, 14 मीटर का, ध्यान से देखना, इस पे एक बंदर 2 मीटर चढ़ जाता है पहले मिनट, एक मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है और नेक्स्ट मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। तो ये पता करना है कि इसको कितना टाइम लगेगा इस पे पूरा चढ़ने में, जल्दी बताओ,
बोलो जल्दी। पहले मिनट में दो मीटर चढ़ जा रहा है और अगले मिनट में एक मीटर फिसल जा रहा है, तो ये पता करना है कि कितने मिनट में ये चढ़ जाएगा इस पर 14 मीटर। कितना मिनट? 13 मिनट। और बोलो, और बोलो जल्दी। एक कोई बोल रहा 13 मिनट, एक कोई बोल रहा 2 मिनट, 25 मिनट, 41 मिनट। खंभा पे चढ़ रहा है कि चढ़ रहा तार के गाछ पे? धीरे धीरे चढ़ने दो, उतना उतना देर में तो कहाँ से कहाँ चढ़ जाएगा। देखो 14 में से 2 को माइनस कर दो, क्या 12। अब 12 मीटर का खंभा बचा, कितना मीटर का खंभा? 2 मीटर चढ़ा, 1 मीटर फिसला, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? 1 मीटर चढ़ रहा है ये 2 मिनट में, 1 मिनट में चढ़ा और 1 मिनट में फिसला, तो 1 मीटर चढ़ा 2 मिनट में। पहले 12 मीटर पे चढ़ाएंगे, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मीटर, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिनट। तो 24 मिनट तक तो इसका यही हिसाब किताब चला, चढ़ा फिसला चढ़ा फिसला चढ़ा फिसला, 12 मिनट चढ़ा। और नेक्स्ट टाइम में क्या हो गया? अब जो हम 2 मीटर माइनस किए थे, वो 2 मिनट क्यों माइनस किए थे? अगले बार में वो चढ़ जा रहा 1 मिनट में 2 मीटर, तो चढ़ के 14 मिनट पे चढ़ा गया। अब जैसे ही चढ़ा हमारा आंसर ख़त्म। अब उसके बाद वो कूद के वहाँ से, वो जो है सो बोले बसंती हम आत्महत्या कर लेंगे, फिसल जाएंगे, छोड़ो, उससे हमको कोई मतलब रहेगा क्या? तो हमारा आंसर जैसे ही हुआ यहाँ पे एक पहुँचा ख़त्म, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 1 मिनट में ये चढ़ जाएगा, 2 मीटर चढ़ेगा, आंसर 14 मीटर चढ़ने का था, आंसर हमारा हो जाएगा 25 मिनट का। क्या हुआ? 1 मिनट नहीं है, 1 जंप है वो। एक जंप किया, फिसलने का बात नहीं बोला ना, एक जंप किया नेक्स्ट फिसल गया, तो जंप तो उसका एक को होगा ना, बात समझ रहे हो? अभी जो 56 का बताए हैं, तो एक बार चढ़ गया ये जंप हुआ, अब वो फिसल जाता हो तो उसका मजबूरी है। अगर टाइम बोलता 1 मिनट में चढ़ा और 1 मिनट में फिसला, तब 2 मिनट हो जाता, बात समझे? ये जंप बोला जो शुरू में हम पहले 2 मिनट लिख दिए थे क्योंकि हमको लगा थोड़ा टाइम का, लेकिन जंप का बात अगर बोला तो जंप किया लेकिन फिसल गया, तो फिसलना जंप नहीं होता। चलो ठीक, 57, एन इंजन कैन मूव ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक इंजन 57 का देख लो, एक इंजन जो है 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है बिना बॉगी का, व्हेन नो बॉगी इट अटैच्ड विद द इंजन, एक भी बॉगी अटैच नहीं है, ठीक है। द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ बॉगी अटैच्ड विद द इंजन। रिडक्शन होता क्या है, अगर तुम साइकिल चला रहे हो, अकेले बैठ के चला रहे हो, या गाड़ी चला रहे हो टू व्हीलर और अकेले बैठ के चला रहे हो, तो बहुत स्पीड में चला सकते हो, 2-3 अगर उस पर बैठ जाएगा तो फिर पता चलेगा धीरे धीरे चला रहे हो। वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर इंजन का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो रिडक्शन हो रहा है, कम जो हो रहा है, वो कैसे कम होगा? जब इंजन लगना शुरू हो जाता है तो जितना इंजन लगेगा उसका स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट हमको मानना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ये जो रिडक्शन है, कमी है, वो कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ बॉगी के, बॉगी का स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको बराबर करने के लिए, कमी को इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के इंटू हम लोग बी स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? अब ध्यान दो क्वेश्चन पे, बोला क्या 45 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, कब? जब 3 बॉगी लगा दिया जाता है, तो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो बताओ कि कमी कितना का हुआ, 9 का, तो 9 का कमी हुआ, उसको डायरेक्टली ये बराबर हो जाएगा किसके, के इंटू बॉगी का संख्या क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो के का वैल्यू क्या आ गया 1, के का वैल्यू क्या आ गया 1, कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 आ गया। अब क्वेश्चन से हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉगी, ज़्यादा से ज़्यादा बॉगी कितना खींचा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉगी कितना खींचा जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉगी हम बोलते हैं ऐसा करो, इतना बॉगी लगा दो कि इसका स्पीड 0 हो जाए, इसका स्पीड क्या हो जाए, बात समझ रहे हो क्या, इसका स्पीड 0 हो जाए। चलो निकालते हैं, तो 0 होने के लिए इसका रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, 45 किलोमीटर, और जैसे ही 45 किलोमीटर बराबर होगा तो के इंटू बॉगी के स्क्वायर के होगा क्या, के का वैल्यू हमारा 1 निकल चुका है बोलो, और बॉगी का स्क्वायर,
तो बोगी का स्क्वायर बराबर 45, तो बताओ कि बोगी का जो संख्या हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 45 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 45 जो हो जाएगा वो ये 7 से कम है, 6 से क्या है, ज़्यादा है, तो 6 से क्या है, ज़्यादा। तो हमारा आंसर या तो 7 होगा या 6 होगा। 7 इसलिए नहीं होगा कि 7 ज़्यादा हो गया, ये 0 से माइनस में जा नहीं सकता स्पीड, बात समझ रहे हो। अब स्क्वायर रूट ऑफ 45 भी नहीं हो सकता, और बोगी का संख्या क्या होगा, बोगी का संख्या क्या होगा, पूरा पूरा होगा ना। कभी सुने हो आधा बोगी आ रहा है, या बोगी का जो 3.5 बोगी लेके आ रहा है एक ट्रेन, तो ऐसा नहीं होता। तो बोगी का संख्या इससे छोटा वाला होगा जिससे कि ये चल भी सके, एकदम रेंगेगा 6 बोगी लगा दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। 58 में कहा जा रहा है, इन 330 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज ओनली 24%। 330 लीटर का मिक्सर है, ध्यान से देखो 58, 330 लीटर का मिक्सर है उसमें 24% वाटर है। बोला क्या 80 लीटर इसमें से बेच दिया, क्या किया 80 लीटर, तो 80 लीटर जो बेच देगा तो 80 लीटर में परसेंटेज वाटर का क्या होगा, कोई बता सकता है, 24% होगा। कोई ये नहीं बोल सकता कि हम 330 लीटर पानी दूध मिला हुआ उसमें से खाली 80 लीटर दूध छान के निकाल लिए, निकाल सकता है क्या, तो इसमें जो निकला होगा वो भी 24%, और जो बचा होगा 330 में से 80 को अगर घटा देते हम लोग तो 250 लीटर हो जाएगा। तो इस 250 लीटर में पानी कितना हो जाएगा, अभी भी 24% ही रहेगा, तो बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें मिल्क रहेगा, बोलो रहेगा क्या। तो हम लोग 24% 250 का निकाल लेते हैं, 12% 500 का निकाल लेते हैं, 24% 250 का या 12% 500 का, तो 60 लीटर हो गया, कितना लीटर, तो 250 में से 60 लीटर को माइनस करेंगे तो 190 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 26 लीटर ऑफ प्योर वाटर, तो 26 ऑफ प्योर वाटर, तो 26 लीटर इसमें मिला दिया, ठीक है, और 60 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया, कितना लीटर, 60 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अब आपको बताना है कि फाइनल मिक्सर में वाटर का परसेंटेज क्या होगा। तो ये देखो 190 60 मिलके 250 तो था ही पहले, तो टोटल मिक्सर कितना का हुआ, 250 प्लस 60 310, 310 प्लस 26 336 लीटर, कितना लीटर का, ये 250 प्लस 60 310 हुआ, 310 में 26 जोड़े तो टोटल मिक्सर क्या हो गया 336 लीटर का, बोलो हुआ क्या, और उसमें से पानी कितना लीटर हुआ, 86 लीटर, तो 86 लीटर बाई 336 इंटू 100 कर देंगे तो क्या इसका परसेंटेज नहीं निकलेगा, निकाल लोगे, चलो नेक्स्ट इसका आंसर लिख देते हैं। देखो आंसर कैसे लिख देते हैं, 8 चौका 32, एक बार में 25% के आसपास जो होगा वही आंसर होगा। देखो ना ये 80 चौका 320, बोलो जल्दी 80 चौका 320, और 6 चौका 24, 320 में 24 को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता, 320 में 24 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 344, तो 344 336 के बहुत नज़दीक है ना, तो 4 गुना के आसपास है, तो 25% के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। 59 का बन गया क्या, बन गया, 60 का कंप्लीट, 61 से लेके 65 तक पक्का, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। है तुम्हारा यार मन नहीं मानता कभी कभी, तुमको लगता है सर पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए, हम पढ़ते जाए पढ़ते जाए, पढ़ाना नहीं हो गया कि कृष्ण भजन हो गया, सुनते जाओ लगा दिए बापूजी को, अब बैठ करके सुन रहे, छोड़ दो अब यार, बता देते तुम बोलोगे तो, उतना भारी है नहीं, वैसे हवा में बता दे। देखो समझने का कोशिश करना, ए कॉमिक बुक शॉप ऑनर स्टुअर्ट, उसका नाम स्टुअर्ट है, समझे, छोड़ो, हाँ एलिगेशन सही बनेगा, सही बोली, $30,000 इन्वेस्ट कर रहा है 5% पर एनम पे, और क्वेश्चन रुक जाओ पहले, अब हम बताएंगे, रुको, चलो देखो इधर, चलो एक ही क्वेश्चन है तो बता देते, कुछ खास नहीं है ये, $30,000 है ये, $30,000 इन्वेस्ट कर रहा है 5% पर एनम पर, एक वर्ष में 5%, हाउ मच मोर शुड इन्वेस्ट इट, कितना ज़्यादा और इन्वेस्ट करना है 8% पर एनम पे, ठीक है, टू अर्न एन एवरेज ऑफ 6%, 6%, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 6 गया 2, तो 2 और 1 का रेशियो 2 और 1 ही है, 2 बराबर 30,000, 1 बराबर 15,000, तो 15,000 एक्स्ट्रा आंसर। चलो ये हमारा तीसरा सेट अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, और फिर हम लोग मिलते रहेंगे बीच बीच में।
ठीक। इसी तरह से इसमें सेलेक्ट कर लिया करो पहले ही क्वेश्चन, जैसे ही सेट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा सेलेक्ट कर लिया करो कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आकर के इसका डिस्कस करा देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो